दिस टाइम फाइव थिंग यू शुड डू फॉर बेटर हेयर्स। और एक बात बताऊं कि आप लोग नहीं चाहते कि आपके हेयर्स पे एकदम बेस्ट रहे, आपके हेयर की क्वालिटी एकदम बेटर हो जाए, आपका हेयर फॉल ना हो, आपका हेयर लॉस ना हो, ये सब पता है मेरे ब्रो कैसे होता है? जिस तरह से आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, जिस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो ना, ठीक उसी तरह आपको अपने हेयर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मेरे ब्रो, हेयर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर आपने उनकी केयर नहीं करोगे ना तो वो आपके हेयर डैमेज होंगे, आपका हेयर फॉल होगा। ठीक है, सो जरूरी है कि आप ना अपने बालों की केयर करो जिस तरह से अपनी बॉडी की केयर करते हो। और सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बालों के साथ क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके हेयर की क्वालिटी बेटर रहे। ऑलराइट, सो दिस टाइम फाइव थिंग यू शुड डू फॉर बेटर हेयर्स। ऑलराइट, सो हियर इज योर ब्रो संयम, दिस इज सैम लाइफस्टाइल, लेट जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, डू ऑयल मसाज। मेरे ब्रो सबसे बेस्ट तरीका आपके हेयर्स को, आपके स्कैल्प को ट्रीट करने का, केयर करने का, कि आप उसको बाहर से करो। आपको पता है कि हमें अपने बालों की केयर अंदर से भी करनी चाहिए, इनसाइड से भी करनी चाहिए, आउटसाइड से भी करनी चाहिए। इनसाइड से हम कैसे अपने बालों की केयर करेंगे? अच्छी डाइट लेके, अच्छे प्रोटीन लेकर के, ठीक है। और बाहर से हम अच्छी तरह से केयर कैसे करेंगे? ऑयल मसाज से। मेरे ब्रो ऑयल मसाज करा करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है आपके हेयर्स के लिए। अब जेंटली ऑयल मसाज करो अपने फिंगर टिप से, आपके हेयर्स आपके मॉइस्चर रहेंगे, आपके स्कैल्प मॉइस्चर रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, आपके रूट्स में, हेयर के रूट्स में ना ब्लड फ्लो होता रहेगा। और आप सबको पता है कि ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर स्कैल्प के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आपका ब्लड फ्लो होगा ना तो बहुत अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना वो फ्लो होंगे आपके हेयर रूट में, ठीक है, जो आपके हेल्दी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो आपको ऑयल मसाज करनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते होंगे लेकिन आपको करना चाहिए, डू रीड द लेबल्स। मेरे ब्रो अगर आप कोई अपने लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो ना तो बहुत ज़रूरी कि आप उसके अंदर लेबल चेक करो कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द शैम्पूज में, कंडीशनर में सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, जो आपके हेयर्स के लिए बहुत बेकार इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं, ठीक है। सो अपने अंदर एक हैबिट बनाओ कि जब भी आप कोई अपने लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट बाय करने जाओ सो उसका लेबल चेक करके उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक करो। और अगर आप फिर भी किसी इंग्रेडिएंट को लेकर के अनश्योर हो कि हमारे हेयर्स के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, सो मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ, www.ewg.org, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जा करके ना इस साइट पर आप कोई सा भी इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हो और वो आपको बताएगा कि आपके हेयर्स के लिए ये बेस्ट है या फिर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ब्रो, अगर आपको शैम्पू यूज करना है ना तो आप होममेड शैम्पू यूज करो। रीता और शीका का ही बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं आपके हेयर्स के लिए, ठीक है। सो आप होममेड शैम्पू बनाओ, अगर आप इन दोनों की हेल्प से बनाओगे ना, रीता और शीका काई की हेल्प से, सो मेरे ब्रो इतने ज़्यादा माइल्ड शैम्पू होते नहीं है कि आपके हेयर्स में से नेचुरल ऑयल को नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, सो आप रीता और शीका काई की हेल्प से आप होममेड शैम्पू बनाओ और उन्हें यूज करो। नाउ थर्ड थिंग जो आपको करनी है, डू रिंस विद कोल्ड वाटर। मेरे ब्रो जब आप अपने हेयर्स को वॉश करो ना उसके बाद आदत डालो कि आपको ना उसको कोल्ड वाटर से रिंस करना है। सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं इसके कि सबसे पहले तो आपके जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं ना मेरे ब्रो वो एकदम फ्लैट हो जाती है, मतलब फ्लैट हो जाती है आपके हेयर क्यूटिकल्स। दूसरा आपके हेयर सॉफ्ट रहते हैं, तीसरा आपके हेयर शाइनी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने हेयर्स को कोल्ड वाटर से रिंस करोगे ना जो आपके हेयर फॉलिकल्स खुले थे ना वो फिर से बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, हेयर्स को वॉश करने के बाद उसको कोल्ड वाटर से रिंस करना है। फोर्थ, नेचुरल ड्राइंग इज बेस्ट फॉर योर हेयर्स। मेरे ब्रो इंस्टेड ऑफ ब्लो ड्रायर आप अपने हेयर्स को ना नेचुरली सूखने दो। आपके बाल गीले हैं छोड़ दो, सूखने दो उन्हें, जब तक वो नहीं सूखते तब तक उसमें कुछ मत करो। मेरे ब्रो अगर आप ब्लो ड्राई करोगे ना, ब्लो ड्रायर से क्या होता है आपके हेयर्स में से जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा ब्लो ड्रायर निकाल लेता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपके हेयर्स में से लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चर निकल जाएगा ना सो मेरे ब्रो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे, ड्राई होने से वीक होंगे, वीक होंगे सो ईजिली ब्रेक होंगे। सो बस ये ध्यान रखो कि ब्लो ड्रायर बस हमारे वॉल्यूम के लिए है, आपके बाल सूख जाए तो आप उसमें वॉल्यूम ऐड करो हेयर ड्रायर की हेल्प से।
ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ मेरे भाई अगर बोलेंगे कि यार हमें ना ब्लो ड्रायर से सुखाने की आदत है अपने हेयर्स को, सो उनके लिए भी एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर आपको ब्लो ड्रायर से अपने हेयर्स को सुखाना है ना, सो उसको कूल सेटिंग पे सेट करो, अपने बालों को ना ठंडी हवा से सुखाओ, गर्म हवा से मत सुखाओ। बट फॉर हेल्दी एंड शाइनी हेयर्स, लेट योर हेयर एयर ड्राई नेचुरली। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वियर कैप और स्कार्फ। मेरे ब्रो, कैप या फिर स्कार्फ पहना करो इफ यू स्पेंडिंग अ लॉन्गर टाइम इन द सन, क्योंकि हमें अपने हेयर्स को ना सन की हार्मफुल रेस से बचाना। जैसे आप अपने स्किन को सन की हार्मफुल रेस से बचाते हो, उसी तरह आपको अपने हेयर्स को भी सन की हार्मफुल रेस से बचाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैप या फिर स्कार्फ पहना करो। यार यही थे कुछ 5 थिंग्स जो आपको करनी चाहिए फॉर बेटर हेयर क्वालिटी, ठीक है। सो प्लीज वर्क करो इन पॉइंट्स पे, अपने हेयर्स को बेस्ट रखो, अपने हेयर्स को बेस्ट क्वालिटी दो, अपने हेयर्स का अच्छी तरह से ध्यान रखो, जिस तरह से अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, ठीक है। मेरे ब्रो एक बात ना ध्यान रखना, मैं सोचता हूँ कि अगर आपके हेयर्स नहीं है ना मेरे ब्रो, सो आपकी लुक 50% डाउन है, ठीक है। सो प्लीज यार लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। सो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। और हर एक बात और, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है ना, सो ब्रो क्या कर रहे हो आप लोग, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज पोस्ट करता हूँ, वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो प्लीज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। सर जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको अपने हेयर्स को बेस्ट क्वालिटी देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपके हेयर की क्वालिटी बेस्ट रहे, ठीक है। ये वीडियो मेरी 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगी आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीडियो होगी। सो प्लीज यार स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो, और यार इस वीडियो को भी जरूर वॉच जरूर करना।